हां जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? कुशल मंगल। चले जी, पहले तो बहुत 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 स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको CA फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। और वो भी आपका नाम तो मैं कहता हूँ इतिहास में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आपने उस वक्त CA फाउंडेशन क्लियर किया जब रिजल्ट ऑल टाइम लो था। तो आज का दिन मेरी तरफ से कॉलर उठा के आप घूम सकते हो, क्योंकि आपने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया भाई, आपने बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं, काम किया। बहुत बड़े लेवल का काम किया आपने, समझ आई बात? तो इसलिए माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कल ही कहीं बता रहा था, मैंने कहा जिसने इस अटेम्प्ट में फाउंडेशन निकाला है, अगर वो बिल्कुल डिसिप्लिन पे चलता रहे जैसे उसने फाउंडेशन में किया है, और बिल्कुल उतने घंटे ही अपनी पढ़ाई लगातार रखे, तो इंटर भी फर्स्ट शॉट है, फाइनल भी फर्स्ट शॉट है। क्योंकि अब आपको जानकर खुशी होगी कि इंटर का रिजल्ट जो टेंडेंसी नजर आ रही है वो लगभग जा रहा है 30 से 40% के करीब, और फाइनल का रिजल्ट भी जो नजर आ रहा है वो अराउंड 40 से 50% के करीब नजर आ रहा है। तो इसलिए आपने सबसे कठिन डगर जो थी, सबसे कठिन मंजिल जो थी, मैं कह सकता हूं पार कर ली है। तो इसलिए एक और बार शुभकामनाएं। आज की क्लास से पहले एक बार जोरदार तालियां आज आप खुद के लिए बजा दो, शाबाश। मैं तो बजा ही रहा हूं आपके लिए, मगर आप अपने लिए भी बजा दो आज। भाग्य अग्रवाल कहते हैं मैंने केवल 2.5 महीने बोर्ड के बाद पढ़ के बहुत बढ़िया पास किया है। ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू। बस ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है देश को, शाबाश। चलिए, तो अब हम शुभकामनाओं से आगे बढ़ते हैं। और आज आपकी शायद दिन की तीसरी क्लास है। हाँ जी, अकाउंट्स की हो चुकी है, टैक्स की हो चुकी है, और अब इस वक्त क्लास है लॉ की। लॉ, मैं CA पोपली आपको लॉ पढ़ाऊंगा, और ये हमारी डेमो सेशंस शुरू हुए हैं, ताकि आप हमें जान सकें, हम आपको जान सकें। और लॉ अगर मैं बात करूं तो इंटर के अंदर 6 टोटल कितने पेपर हैं? 6। ग्रुप 1 के अंदर भी 3 है, ग्रुप 2 के अंदर भी 3 है। जानते हो आपसे पहले कितने हुआ करते थे? 8 पेपर इंटर में। तो बच्चे जो है दोनों ग्रुप देने की कई बार सोचते थे कि दोनों ग्रुप दें या ना दें, ठीक है? तो मगर आपके लिए कितने पेपर हैं? 6। तो इसलिए, और सिलेबस भी रिस्पेक्टिवली कम हुआ है हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में सिवाय अकाउंट्स को छोड़कर, तो इसलिए आपको देने ही दोनों ग्रुप हैं, देने ही दोनों ग्रुप हैं, ये कसम खा लेना। आज से ही अपना टारगेट बना लेना। पहली बात तो यहां क्लियर हो गई। दूसरी बात, दोनों ग्रुप की स्ट्रेटजी भी प्रॉपर बना के चलना। स्ट्रेटजी कैसे प्रॉपर बनाना? सबसे पहले ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट लेना, उनकी कोचिंग कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले लॉ की कोचिंग खत्म होगी, लॉ से पहले भी शायद GST खत्म हो जाएगा। तो पहले आपका GST खत्म होगा, फिर आपका लॉ खत्म होगा, फिर आपका इनकम टैक्स या अकाउंट्स में से शायद कोई जो भी पहले खत्म हो या बराबर खत्म हो वो खत्म होंगे। बट जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होते जाए, जैसे GST खत्म हो, ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट उठा लेना, उसकी कोचिंग शुरू कर देना। जैसे ही दूसरा खत्म हो, ग्रुप 2 का दूसरा सब्जेक्ट उठा लेना, और फिर जैसे ही तीसरा सब्जेक्ट खत्म हो ग्रुप 1 का, वैसे ही टैक्स और अकाउंट्स खत्म हो, वैसे ही ग्रुप 3 का दूसरा सब्जेक्ट उठा लेना। इस तरीके से आपके दोनों ग्रुप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे, एग्जाम से पहले एकदम रेडी हो जाओगे। अब सवाल उठा कि सर हाँ जी, ये एक क्वेरी आई है कि सर क्या ये क्लास जनवरी 25 के लिए रेलेवेंट है? बिल्कुल जनवरी 25 के लिए रेलेवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी 25 वाले भी बैठ सकते हैं। अच्छा, ये सिलेबस कितनी क्लासेस तक चलेगा? तो मैं बता दूं, लगभग ये सिलेबस जाएगा नवंबर एंड तक, ठीक है? तो जनवरी 25 वाले आराम से आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा। अगली बात, हाँ जी, मैं कह रहा था कि सवाल उठा कि सर इंटर में सक्सेस के लिए क्या कोई मंत्र है? हाँ, दो मंत्र हैं।
अगर कोई दो मंत्रों का पालन कर रहा है, इन दो मंत्रों पर चल रहा है, तो सक्सेस की गारंटी है भाई साहब, सक्सेस मिलनी मिलनी है। अब वो कौन कौन से दो मंत्र हैं? सबसे पहला मंत्र कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बोले तो ऐसा ना हो कि आज पढ़ लिए 10 घंटे, फिर उसके बाद मंगल भी गया, बुध भी गया, वीर भी गया, तो शुक्र भी गया, अब सैटरडे को ही उखाड़ेंगे जो उखाड़ेंगे। नहीं, ये सही नहीं होगा। तो अगर आपने कंसिस्टेंट स्टडी करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दिन की मान लीजिए 5 या 6 घंटे या 7 या 8 घंटे की क्लास हो रही है, तो उसके बाद आपको 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी करनी है, और जैसे ही कोचिंग खत्म होती जाएगी सेल्फ स्टडी को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो मतलब सेल्फ स्टडी तो दोनों ग्रुप के लिए जा रहे हो, तो सेल्फ स्टडी तो 8 से 10 घंटे तक लगातार चलेगी। अब ये एक तपस्या है, अब ये एक तपस्या है, और बस इस तपस्या के बाद जो आपके हाथ में मेडल आएगा सीए नाम का, वो आपकी जिंदगी को कैसे चेंज करेगा आप जानते नहीं हैं। मैं केवल सपना दिखा सकता हूं, और आज खड़ा हुआ सपना दिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि रियलिटी जो है वो बेहतरीन होगी। तो बस ये 3 साल की तपस्या है जिसे आपको जीना है। मेरी ऑडिट की क्लास जो है, लॉ की क्लास खत्म होने के बाद ऑडिट शुरू होगा, ठीक है? तो पहले लॉ चलेगा, फिर हम ऑडिट करेंगे। मैंने कहा पहला मंत्र क्या है? कंसिस्टेंसी। और दूसरा मंत्र क्या है? टेस्ट, 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 टेस्ट। बस फाउंडेशन में भी आपने देखा होगा, टेस्ट दिए बिना बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। तो टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, ध्यान रखना, टेस्ट तो देने ही देने हैं। अब सवाल उठा, आप भी टेस्ट लेते हो? हाँ जी, हम भी टेस्ट लेते हैं, और हमारे टेस्ट का एक ऐसा फीचर है जो कि पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज देके कहता हूं कि कहीं पूरे भारतवर्ष में कोई लॉ में ऐसा कोई टेस्ट ले ले। वो क्या ये चैलेंज है? वो क्या कि लॉ का हर तीसरा टेस्ट, आपका तीसरा टेस्ट मेरे थ्रू चेक होता है, यानी कि मैं 1-to-1 डिस्कशन हर बच्चे से जूम कॉल पे करता हूं, जैसे आजकल चल रही है, रोज रात को 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मैं जूम कॉल पे डिस्कशन कर रहा हूं बच्चों के साथ, जो उन्होंने टेस्ट दिए सीए इंटर के बच्चों ने, 1-to-1 डिस्कशन चल रही है, और 1-to-1 में उनकी वीकनेस को डिस्कस करता हूं कि आपके प्रेजेंटेशन में ये वीकनेस चल रही है, फिर ताकि अगले 3 टेस्ट बाद जब मेरा फिर नंबर आता है तो मैं बताता हूं अब इंप्रूवमेंट यहां पर हो गया है, अब इंप्रूवमेंट ये बढ़ने वाला है। तो हमारे टेस्ट का ये पेक्यूलर फीचर है, ये स्पेसिफिक फीचर है जो आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा। आप 1-to-1 डिस्कशन हर टेस्ट की मेरे साथ करेंगे, हर तीसरे टेस्ट की। 2 टेस्ट मेरी टीम चेक करेगी, तीसरा टेस्ट आपका इंडिविजुअली मैं चेक करूंगा। बट लॉ के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट के भी टेस्ट आपके रेगुलर होंगे, अकाउंट्स के भी होंगे, टैक्स के भी होंगे, वो भी रेगुलर आपने टेस्ट देने हैं। ठीक हो गई इतनी बात भी, यहां तक भी क्लियर। अब अगली बात, तो ये 2 सक्सेस के मंत्र हैं, अगर इन दोनों सक्सेस मंत्र को आप रेगुलर फॉलो कर पाए तो सक्सेस आपके साथ में है, कहीं नहीं गई, क्योंकि आपने तो फाउंडेशन 14% के रिजल्ट में निकाल दिया यार। तो इंटर 40% और फाइनल 50% वाला तो आराम से निकाल दोगे। बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। चलिए तो अपन लोग आज शुरू करते हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, पेपर नंबर 2। सीए इंटर ग्रुप नंबर 1। नाम क्या है जी? हमारे पेपर का नाम क्या है? कॉरपोरेट एंड अदर लॉस। कितने मार्क्स का है? अच्छा सवाल उठा, आप बुक से पढ़ाओगे? बुक तो मैं दूंगा ही दूंगा, ऑब्वियसली। 2 बुक्स आएंगी, एक बुक होगी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की, और दूसरी बुक होगी कंटेंट बुक। बट बुक की जरूरत हमें कम ही पड़ने वाली है, मतलब प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, कंटेंट बुक की जरूरत कम पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लगभग 80% के करीब जो भी कंटेंट होगा वो आपकी कॉपीज में होगा। तो अपना एक अच्छा सा रजिस्टर बना लेना, क्योंकि आज तो मैं केवल बेसिक स्ट्रक्चर्स की क्लास लेने वाला हूं,
तो अपना एक अच्छा सा रजिस्टर बना लेना। रजिस्टर होना चाहिए आपका मिनिमम 300 पेज का, तो जरूर हो, मिनिमम 300 पेज का रजिस्टर जरूर हो, क्योंकि नोट्स सारे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई हल्का फुल्का पता लगा 100-150 पेज का रजिस्टर मत बनाना, हैवी रजिस्टर बनाना। अच्छा, 24 आवर होते हैं दिन में, एंड 9 आवर्स के टोटल क्लासेस हैं वन डे में, तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे? अच्छा, देव कहते हैं कि 11.5 घंटे की तो एल्डाइन में हमारी क्लासेस चलेंगी, तो हम सेल्फ स्टडी कब करेंगे? 11.5 घंटे की क्लासेस चलेंगी तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे? यार ये तो बड़ा पेचीदा सवाल पूछ लिया उसने। अच्छा, सेल्स वैसे 11.5 घंटे की कैसे हो गई क्लास यार? मतलब हर क्लास के बीच में आपका, आपने वो जो 1-1.5 घंटा है हर क्लास के बीच में, वो तो नोट ही नहीं किया आपने। हाँ, 400 पेज का रजिस्टर बहुत है। वो जो हर क्लास के बीच में जो 1-1.5 घंटा मिलता है आपको, वो सेल्फ स्टडी का है ना भाई आपका। वो क्लास से पहले सेल्फ स्टडी करते रहो, ठीक है? चलिए, आगे एक कहता है आप इंटर में क्लास में टाइम पे आ जाते हैं। अरे बताओ, क्लास का टाइम है 2 बजे। पोपली को आप दो नामों से पुकार सकते हैं, एक तो पोपली और एक 2 बजे। अगर कभी 2:02 पे इंटर की क्लास शुरू हो, तो आप ये नहीं कहोगे 2:02 बन गए ना, आप कहेंगे पोपली 2:02 हो गए हैं। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, मैंने कहा जी टोटल मार्क्स कितने हैं? अरे भाई बोलो ना, टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स है 100, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है। ओके, 100 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद इस पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है एमसीक्यू का पोर्शन। वाह 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 वाह, एमसीक्यू आ गए। अरे वाह 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 वाह, अब लग रहा है पास होना तो कंफर्म हो गया। एमसीक्यू है 30 नंबर के। एमसीक्यू है 30 मार्क्स के। एंड क्या ये क्लास लाइव है? जी हाँ, लाइव है प्रभु, लाइव है, चिंता मत करो, आप पोपली को जिंदा देख रहे हो। आगे, और डिस्क्रिप्टिव है 70 मार्क्स। तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है जो मैं लिखवा रहा हूं, प्लीज लिखते रहना लिखते रहना। और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चले, तो यानी कि 30 नंबर का एमसीक्यू आता है आपके पास, 70 नंबर का आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कैसे आते हैं? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि बड़ा आसानी से सवाल पूछ लिया कि बताइए ये कंपनी लॉ के ये प्रोविजन बताइए, कंपनी लॉ के स्टेप बताइए, फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम में कितने क्लॉजेज होते हैं ये बताइए। ना ना, ये नहीं आएंगे भाई साहब। केस स्टडी आती है, केस स्टडीज करेंगे हम। केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। केस स्टडी का मतलब ये है कि लॉ के अंदर आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत होनी चाहिए। कई जगह बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि केवल चार्ट्स पढ़ के चले जाते हैं, या फिर जो लिखा हुआ उसका रट्टा लगा लेते हैं, पास नहीं हो सकते। आज के डेट में लॉ के पेपर में पास नहीं हो सकते अब वो। क्यों? क्योंकि लॉ का पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है, केस स्टडी बेस्ड आता है। आपको सिचुएशन दी जाती है, सिचुएशन को समझ के आपको देखना होता है कि कौन सा सेक्शन यहां लगने वाला है। तो आपकी जो 400 पेज की कॉपी अगर आप बना रहे हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस 400 पेज की कॉपी में 150 पेज का लॉ लिखेंगे आप, और 250 पेज का केवल एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस मतलब हम लॉ में लिखी गई हर चीज को समझने वाले हैं। वो समझ, एनालिसिस का ही फायदा ये मिलता है कि आप केस स्टडी पेपर में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये उस एनालिसिस की ताकत है, जिसे आप अगली 2-3 क्लासेस में ही महसूस कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो मैंने कहा जी टोटल 100 मार्क्स हैं। जी हाँ, टोटल 100 मार्क्स हैं। एक बार फिर सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉरपोरेट एंड अदर लॉस। ओके, कॉरपोरेट
कॉर्पोरेट लॉ जो है इसमें वो है 70 मार्क्स का, एंड अदर लॉज जो है वो है 30 मार्क्स का, और इस प्रकार से टोटल बनते हैं मेरे 100 मार्क्स। जब मैं कॉर्पोरेट लॉ की बात करता हूं, तो कॉर्पोरेट लॉ में मेरे पास आता है पहला कंपनी लॉ, और दूसरा मेरे पास आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉ, एलएलपी लॉ। एलएलपी लॉ सर फाउंडेशन में भी पढ़ा था एलएलपी ना, वो तो केवल दर्शन किए थे, पढ़ा नहीं था, केवल दर्शन किए थे, मतलब मंदिर की सीढ़ियों पे खड़े हुए थे उस वक्त। इस बार मंदिर के अंदर तक जाना है एलएलपी, ठीक है ना, समझ गए। 30 मार्क्स में मेरे पास क्या है, मेरे पास है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम घर पे डॉलर रख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम मान लीजिए घूमने जा रहे हैं विदेशों में, क्या हम डॉलर ले जा सकते हैं? ये सब चीजें ये एक्ट आपको सिखाएगा, ठीक है। ये सब रजिस्टर में लिखना है, बिल्कुल रजिस्टर में लिखना है। हाँ जी, सेकेंड पॉइंट मेरे सिलेबस में है जनरल क्लॉज एक्ट 1897। जनरल क्लॉज एक्ट 1897, एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, मुकद्दर का सिकंदर, कभी आपने सुना है? मुकद्दर का सिकंदर अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। उसके अंदर ना एक सॉन्ग था, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, सुना है कभी ये सॉन्ग? कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ये एक्ट बस ऐसा ही है, ये एक्ट बिल्कुल वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी भारतवर्ष में किसी भी कानून के अंदर किसी चीज का मतलब नहीं दे रखा, तो उस चीज का मतलब इस एक्ट में से निकाला जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, लॉ में लिखा है, एक सेक्शन है कंपनी एक्ट में, सेक्शन 173, जो कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी की 4 मीटिंग होनी चाहिए इन अ ईयर। कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4 मीटिंग। कब होनी चाहिए? इन अ ईयर। ये कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की चर्चा हो रही है कि 4 मीटिंग इन अ ईयर होनी चाहिए। हमें आज तक सिखाया गया है कि ईयर का मतलब होता है कैलेंडर ईयर भी या फाइनेंशियल ईयर भी। अब सेक्शन में नहीं लिखा कि ये 4 मीटिंग कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए या फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए, तो अब मैं क्या करूं? वर्ड है ईयर। अब खाली जब वर्ड ईयर हो तो मुझे क्या मानना चाहिए? जनरल क्लॉज एक्ट कहता है कि अगर कभी भी किसी भी एक्ट में वर्ड ईयर दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ और, तो ईयर का मतलब हमेशा लिया जाता है क्या? कैलेंडर ईयर। तो ईयर का मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है एकदम? चलिए कुंदन। ठीक हो गई इतनी बात? अच्छा, एक कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है, बताओ सामने खड़ा होकर व्यक्ति तेल निकलवा रहा है, कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है, कमाल कर दिया। आगे आते हैं, तीसरा एक्ट है हमारे पास जिसका नाम है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट ये आपको सिखाता है कि किसी भी कानून को पढ़ा कैसे जाता है, हम किसी भी कानून को पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये आपको सिखाएगा स्टैट्यूट के अंदर हम जाकर सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि अनारकली डिस्को चली, तो आपके दिमाग में क्या आया? बताओ जी, आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में आया होगा अनारकली डिस्को चली गई, तो फिर इसमें सोचने वाला क्या है? नहीं, आपने एक चीज नहीं सोची, वो क्या? कि कौन से ऐसे हालात थे, कौन सी ऐसी मजबूरियां थी जिसके कारण से अनारकली को डिस्को जाना पड़ा? क्या ये आपने सोचा? नहीं। यहां पे आपको सोचने को मजबूर किया जाएगा कि कोई भी कानून में अगर कोई लाइन दी गई है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, परिस्थिति क्या है, तो ये आपको सोचवाएगा। इट्स अ क्लास फॉर January 25। यस, January 25 एंड May 25 बोथ।
क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा सिलेबस, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ टोटल मिला के है 100। ओके, अब एक बात सोच के देखना, स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट, मतलब हम एक्ट को पढ़ने का तरीका सीखेंगे यहां पर, ठीक है। अब जब मैं 30 नंबर की जंग लड़ रहा हूं ना, 30 नंबर की मैं बातें कर रहा हूं, तो 30 नंबर पे मैं कर रहा हूं एक्ट, एक्ट, एक्ट। 30 नंबर के लिए मैं केवल एक्ट 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 पढ़ रहा हूं, पर जैसे ही मैं 70 नंबर के लिए आता हूं, 70 नंबर के लिए मैं पढ़ रहा हूं लॉ। ओ मतलब 30 नंबर का मेरे सिलेबस में क्या है, एक्ट है। 70 नंबर के लिए मेरे सिलेबस में लॉ है, कॉर्पोरेट एंड एलएलपी लॉ है। तो क्या लॉ और एलएलपी में फर्क होता है? हाँ बिल्कुल, लॉ और एक्ट में फर्क होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या फर्क होता है चलिए देखते हैं भाई साहब। एक चीज होती है लॉ और एक चीज होती है एक्ट, ये दोनों बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक्ट के अंदर जब आप कोर्ट के डिसीजन जोड़ देते हैं, एक्ट के अंदर जब आप रूल्स जोड़ देते हैं, एक्ट के अंदर जब आप रेगुलेशंस जोड़ देते हैं, तब जाके बनता है लॉ। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए लॉ और एक्ट में से कौन सा बड़ा है, तो क्या कहेंगे, लॉ बड़ा है या एक्ट बड़ा है? लॉ बड़ा है, इनफैक्ट बहुत बड़ा है लॉ, तो एक्ट तो छोटा सा ही है। ओके, अब एक्ट बनता कैसे है, ये तो बनाती है पार्लियामेंट। अच्छा, कोर्ट के डिसीजन कौन से डिसीजन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, ठीक है। आरजू कहती है फ्री ऑफ कॉस्ट और उनमें क्लासेस में क्या फर्क है? अर्जुन, ये जनवरी का बैच है, ये मई जनवरी 25 और मई 25 वालों के लिए बैच है ये, चले। और ये उनकी डेमो चल रही है अभी। आगे फिर आते हैं रूल्स और फिर आते हैं रेगुलेशंस। चले, अब सवाल उठा, एक चीज है लॉ, लॉ का मतलब मैंने कहा एक्ट प्लस कोर्ट के डिसीजन प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशंस, ठीक है। अब रूल्स और रेगुलेशंस में क्या फर्क होता है, चलिए देखना शुरू करते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस में क्या फर्क होता है। आइए देखते हैं, हमारे कंपनी लॉ में ना एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 149। क्या नाम है जी? सेक्शन 149। ओके भाई, जनवरी 25 वाले कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जनवरी 25 और मई 25 वाले दोनों इस बैच को कर सकते हैं। बस अब तो यही रह गया कि मैं मत्थे पे लिखवा दूं कि जनवरी 25 मई 25 अलाउ, ठीक है। आगे आगे सुनिएगा, सेक्शन 149, सेक्शन 149 हमारे कंपनी एक्ट में है। ये क्या कहता है? कहता है जी, एवरी कंपनी एज प्रेस्क्राइब्ड शेल हैव अ वुमन डायरेक्टर। एवरी कंपनी एज प्रेस्क्राइब शेल हैव अ वुमन डायरेक्टर। ओके, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए भ्रष्टाचार ज्यादा कौन करता है, पुरुष या महिलाएं, तो आप क्या कहेंगे? जी, सितंबर 25 वाला बच्चा भी यहां बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सितंबर 25 वाले भी बैठ सकते हैं। पूरा 2025 वाले यहां बैठ सकते हैं, चाहे जनवरी हो, चाहे मई हो, चाहे सितंबर हो, उनके लिए बैच वैलिड है। हां जी, पुरुष ज्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं या कन्याएं, फटाफट बताओ, क्या लगता है? सोचो सोचो, फटाफट बताओ, बताओ ना, सोच के फटाफट बताओ कि पुरुष ज्यादा भ्रष्टाचारी या कन्याएं। लॉ मेकर ने सोच समझ के बताया कि देखो, भ्रष्टाचारी तो पुरुष ही होते हैं, कन्याएं नहीं होती। अच्छा, इस बात को नेचर भी मानती है, मतलब प्रकृति भी मानती है। कैसे? देखो ना, कन्याओं के लिए कैसे कैसे शब्द, महिलाओं के लिए कैसे कैसे शब्द बने हुए हैं, मतलब मां की ममता, किसी ने नहीं कहा आज तक बाप की बापता, वो तो किसी ने नहीं कहा आजकल, सुना है कभी बाप की बापता? वाह, मां की ममता जरूर होता है,
ओ, तो इसका मतलब नेचर भी ये मानती है कि जहां पर कन्याएं होंगी वहां पर बुरा नहीं होगा, वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसीलिए लॉ मेकर ने ये कहा कि हर वो कंपनी जो कि प्रेस्क्राइब्ड है उसमें एक वुमेन डायरेक्टर जरूर होगी। क्यों? ताकि भ्रष्टाचार ना हो आज के बाद। ओके ओके, अच्छा। अब इस लाइन को पढ़कर केवल मुझे इतना बता दीजिएगा कि वो कौन सी कंपनी है जिसमें वुमेन डायरेक्टर रखनी है। क्या वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, मुझे ये बता दीजिए बस। इसे पढ़ के क्या पता लग रहा है? हाँ जी, सितंबर 25 वाले भी बैठ सकते हैं। अरे कौन है कलाकार? सितंबर 25 वाले भी बैठ सकते हैं। बताओ जी, बताओ, फटाफट बताओ। वो कौन सी कंपनी है, वो प्राइवेट है या पब्लिक है, या कौन सी कंपनी है जिसमें वुमेन डायरेक्टर हो सकती है? नहीं पता लग रहा भाई साहब? क्या इसको 149 सेक्शन 149 को देखकर पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा, तो फिर क्या करें? क्योंकि इसको देखकर पता नहीं लग रहा तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेक्शन के ऊपर फर्दर गाइडलाइंस की जरूरत है, यानी कि इसके ऊपर फर्दर प्रकाश डालने की जरूरत है, तभी मुझे पता लगेगा कि वो कौन सी कंपनी है, प्राइवेट है या पब्लिक है। प्रेस्क्राइब कंपनी का मतलब क्या है तभी पता लगेगा। तो यानी कि प्रेस्क्राइब्ड कंपनी का मतलब अगर मुझे पता करना है तो मुझे फर्दर गाइडलाइंस चाहिए इस सेक्शन पर, क्योंकि इस सेक्शन को पढ़कर क्लैरिटी नहीं आ रही। तो मैं कह सकता हूं ला 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 ला, हां जी, मैं कह सकता हूं कि वी नीड फर्दर गाइडेंस टू नो विच कंपनी। अच्छा, ये जो गाइडेंस है ये कौन लाके देगा मुझे? ये जो गाइडेंस है कि भाई कौन सी कंपनियां हैं यहां पर, मतलब प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक है, कौन सी कंपनियां हैं, ये गाइडेंस मुझे या तो सरकार लाके देगी या कोई सरकार की एजेंसी लाके देगी, बाय एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की किसी एजेंसी का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सेबी, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग, ठीक है। अगर तो किसी सेक्शन में कुछ अधूरापन है और उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए सरकार ने गाइडेंस लाके दी है, सरकार ने, तो इन गाइडेंस को कहा जाता है रूल्स। परंतु अगर ये गाइडेंस सरकार नहीं, सरकार की कोई एजेंसी ने लाके दी है, तो फिर इन गाइडेंस को कहा जाता है रेगुलेशंस। क्या कहा जाता है? रेगुलेशंस। लो जी, रूल्स, रेगुलेशंस। क्लियर हो गई इतनी बात भाई? बोलो ना। हाँ, ठीक है जी। तो अगर आपको कभी भी पता लग जाए कि सेबी का ऑर्डर आया है, सेबी ने एक ऑर्डर निकाला है, तो वो क्या है? सेबी क्या लाएगी? सेबी क्या लाएगी? चिराग बताओ, सेबी क्या लाएगी, रूल्स या रेगुलेशंस? सेबी लाएगी रेगुलेशंस। आरबीआई क्या लाएगा, रूल्स या रेगुलेशंस? रेगुलेशंस। और सरकार क्या लाएगी? रूल्स। ठीक है, आप लोगों की नॉलेज को रेगुलरली अपडेट करने के लिए, क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हो तो इस लॉ का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जिंदगी में कैसे होता है, कॉर्पोरेट न्यूज चलती रहती है मेरी, हर दूसरे तीसरे दिन मेरे चैनल पे आती रहती है। आज वो कॉर्पोरेट न्यूज आएगी दोबारा, जहां पर आप रूबरू हो सकते हैं कॉर्पोरेट लॉ में, मतलब क्या क्या रियल लाइफ में कैसे कैसे लॉ का इंप्लीमेंटेशन होता है, इन बातों को आप जान सकते हैं। ठीक है, तो आज की कॉर्पोरेट न्यूज आएगी, जरूर देखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आज रात को आएगी, मेरे YouTube चैनल पर आएगी। तो हमने समझा अभी तक लॉ, लॉ का मतलब क्या है, एक्ट प्लस कोर्ट का डिसीजन प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशन, ये सब मिलाकर लॉ बनता है। क्या मेरी गुड मॉर्निंग सुन के लगा था कि मैं नींद में हूं? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ऐसा नजर ना आने दूं। अच्छा, नहीं लगा? ओहो, तो यानी कि मैं रामलीला में एक परफेक्ट एक्टर बन सकता हूं, मुझे इस बार सीता बनने का ऑफर आया है। फिलहाल
अब हुआ क्या कि सर ने एक सवाल पूछा था कि बताओ कंपनी लॉ में कितने सेक्शन होते हैं, तो बताओ जवाब दो कंपनी लॉ में कितने सेक्शन हैं? 470। अरे वाह शाबाश, इन बच्चों ने तो बड़ा प्यारा जवाब दिया, कमाल हो गई बात, वाह 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 वाह। कंपनीज, कंपनी लॉ में मेरे पास है कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें टोटल मिलाकर सेक्शंस हैं 470। परंतु तुम्हें क्या लगता है इंस्टीट्यूट हमारा निर्दयी है? वो क्या इतने सारे सेक्शन आपके सिलेबस में डाल देगा? ना भाई, इंस्टीट्यूट बड़ा दयावान है, उसने सारे सेक्शन सिलेबस में नहीं डाले हैं। तो फिर उसने कितने डाले हैं? सीए इंटर के अंदर उसने कहा नहीं, अले ले ले ले, छोटे छोटे बच्चे बताओ, उसने कहा केवल सेक्शन 148 तक आपके सिलेबस में है, ओनली 148 सेक्शन तक आपके सिलेबस में है। फिर उसके बाद सेक्शन 149 एंड ऑनवर्ड्स, ये सब आपको कहां मिलेंगे? सीए फाइनल के अंदर मिलेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं, पता नहीं मार्केट में अफवाहें कौन फैला रहा है, कहते सीए फाइनल में तो लॉ खत्म हो गया है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? ये किसने कहा लॉ खत्म हो गया? मैं तो पढ़ा रहा हूं सीए फाइनल को, कंपनी लॉ। तो फिर कोई खत्म नहीं हुआ भाई साहब, सीए फाइनल में लॉ है, वो एमसीक्यू बेस्ड हो गया बस, और क्या। तो बाकी सेक्शन आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो मैं कंपनी लॉ जब कहूंगा तो कंपनी लॉ में मैं पढ़ूंगा कंपनीज एक्ट 2013 प्लस मैं पढ़ूंगा कंपनी रूल्स 2014 प्लस मैं डिफरेंट सेबी की रेगुलेशंस भी पढ़ूंगा, वो भी कुछ मेरे सिलेबस में है, प्लस इसके अलावा मैं वेरियस कोर्ट के जजमेंट भी पढ़ूंगा, वो भी मेरे सिलेबस में है। तो ये सब मिलकर मतलब मैं पूरा लॉ का पोर्शन पढ़ना है, ध्यान रखना कंपनी लॉ का पोर्शन। क्लियर हो गई इतनी बात? डन का मैसेज दे दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए अब अगली बात। किसी भी सेक्शन को, क्या आपने एक सवाल पूछा कि सेक्शन याद करना है? हाँ जी, सेक्शन याद करना है। अच्छा, आपकी बुक कब आएगी? मेरी बुक बिल्कुल तैयार है, आपका एडमिशन लेते ही मेरी बुक डिस्पैच हो जाएगी यहां से। फिर अगला सवाल कि सर सेक्शन याद करना है? मैंने कहा जी करना है, फाउंडेशन पे तो नहीं किया था, फाउंडेशन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी सेक्शन याद करने की, बट यहां पर आपको याद करना ही करना है। ठीक है, सैफ अली जी आप कुंदन को कॉल कर लीजिएगा। हाँ जी, तो सेक्शंस इंटर में याद करने ही करने हैं, बिना सेक्शंस के बिल्कुल भी सक्सेस यहां पर नहीं मिलेगी। फिर भी कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जो ना याद करने हो तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि इस सेक्शन को याद करना छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको हर सेक्शन याद करना ही करना है। ठीक है, चले अब अगला सवाल ये उठा कि सर किसी भी सेक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, किसी भी सेक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होता है? चलिए हम देखते हैं किसी भी सेक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, सेक्शन पढ़ने का तरीका ढूंढते हैं। देखिए जी, हाउ टू रीड, शायद कई फाउंडेशन से पढ़ाए पढ़ के आए बच्चों को ये तरीका पता होगा, जिनको नहीं पता वो भी ध्यान से सुने, हाउ टू रीड एनी सेक्शन। हाँ जी, मैंने कहा जी से फॉर एग्जाम्पल सेक्शन है सेक्शन 96(1), ये कहता है मीटिंग ऑफ कंपनी कब होगी। फिर है सेक्शन 96(2), ये कहता है मीटिंग ऑफ कंपनी कहां होगी। फिर है 96(3), ये कहता है मीटिंग ऑफ कंपनी
क्यों होगी? ठीक है, लिख लीजिएगा मेरे साथ। हाँ जी, तो 96-1, 96-2, 96-3 ये तीन सेक्शन हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखता हूं सेक्शन 2 ब्रैकेट में 53, ये बताता है मैनेजर की डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 2 ब्रैकेट में 54, ये बताता है मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है। फिर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 68, ये बताता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन क्या है। लिखने के बाद मुझे डन का मैसेज दे दीजिएगा प्लीज। सैफ अली जी, क्लास के बाद मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल कर लेना। चलिए, बढ़ सकते हैं आगे। अब हम सेक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। आइएगा, पढ़ते कैसे हैं मुझे पढ़ के बताइए, इस टाइम क्या लिखा हुआ है? बताओ जी फटाफट, क्या कहोगे? पुकारो पुकारो इसे, पुकारो, क्या कहोगे? बोलो इसे क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड एट सेक्शन 96 सबसेक्शन 1, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2, सेक्शन 96 सबसेक्शन 3, सेक्शन 96 सबसेक्शन 1, 96 सबसेक्शन 2, 96 सबसेक्शन 3। अच्छा, अब इसे पुकारिए सेक्शन 2, बट दिस इज कॉल्ड क्लॉज 53, सेक्शन 2 क्लॉज 54 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 68। अब ये तो रमनची हो गई सर, ये तो गलत हो गया। एक तरफ राइट हैंड साइड पे आपने लिख दिया सबसेक्शन कहा, और यहां पे आप कह रहे हो क्लॉज, तो दोनों में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। वो कैसे? देखो जी, 96-1 हो, 96-2 हो, 96-3 हो, क्या मैं कह सकता हूं इनमें कुछ कनेक्टिविटी है? क्या आपस में कहीं ये जुड़े हुए हैं? भाई करण अर्जुन में एक कनेक्शन था, वो क्या था कि दोनों की मां एक थी, ठीक है ना, आपस में कनेक्शन था। सिमिलरली यहां पर बताइएगा, क्या आपस में कोई कनेक्टिविटी है? बिल्कुल है। 96-1 बात करता है कि मीटिंग ऑफ द कंपनी कब, 96-2 बात करता है मीटिंग ऑफ द कंपनी कहां, 96-3 कहता है मीटिंग ऑफ द कंपनी क्यों। यानी कि तीनों में चर्चा का मुद्दा तो एक ही है, और वो है मीटिंग ऑफ कंपनी। बोलो ना, हां, तीनों में एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है, और उस चर्चा का नाम क्या है? मीटिंग ऑफ कंपनी। मतलब तीनों के अंदर मीटिंग ऑफ कंपनी की बात हो रही है बस। ओके, ये और बात है कि मीटिंग ऑफ कंपनी कब, क्यों, कहां। अच्छा, बट आपस में क्या ये कनेक्टेड है? यस, क्योंकि सेक्शंस में आपस में कनेक्शन है। जब जब दे आर कनेक्टेड, जब जब दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तब तब द फर्स्ट ब्रैकेट होता है, फर्स्ट ब्रैकेट कहलाता है सब सेक्शन, क्योंकि सेक्शन आपस में कनेक्टेड हैं। अब सर जी हमें कैसे पता लगेगा? हां, दो मिनट रुको तो सही, अभी पता लग जाएगा। फिलहाल सेक्शन 2 पे आ जाओ। सेक्शन 253 मैनेजर की डेफिनेशन बताता है, 254 मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन बताता है, 268 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन बताता है। क्या आपस में यहां पे तुम्हें कोई भी कनेक्शन मालूम हो रहा है? क्या मैं कह सकता हूं कि कहीं पर आपस में कनेक्शन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं, ओ भाई, एक दक्षिण दिशा में जा रहा है, दूसरा पूर्व में जा रहा है, तीसरा पश्चिम में जा रहा है, तो आपस में कहीं भी कनेक्शन नहीं है। तो जब जब कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक अलग चीज बता रहा है, दूसरा अलग चीज बता रहा है, सिंस नो कनेक्शन, तो इसलिए जो पहला ब्रैकेट होगा वो कहलाएगा क्लॉज। अब आपके दिमाग में तो गुस्सा आया, आपने कहा कमाल हो गई, अब हमें कैसे पता कनेक्शन कैसे ढूंढें?
हाँ ये सवाल तो ठीक है कि हमें कैसे पता कि कनेक्शन कैसे ढूंढें। तुम मुझे एक बात बताना, लॉ बनाता कौन है या एक्ट बनाता कौन है? जानते हो एक्ट कौन बनाता है? जिस एक्ट को पार्लियामेंट पास करती है उस एक्ट को बनाता कौन है? इस एक्ट को बनाते हैं फॉर्मर जजेस, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एक्स जजेस ये बनाते हैं। तो यानी कि इन्होंने तो सुबह शाम जिया ही होता है लॉ को, खाते हुए भी लॉ, पीते हुए भी लॉ, हर जगह लॉ ही देखा होता है इन्होंने तो। इनके जितनी भयंकर नॉलेज लॉ में तो और किसी को हो नहीं सकती। तो जब ये कानून बना रहे होते हैं तो ये हमारे फॉर्मर जजेस जो है, एक्स जजेस जो हैं, जितनी भी कनेक्टेड चीजें होती हैं सब कुछ एक सेक्शन में जोड़ के चलते हैं। तो इसलिए हर सेक्शन के बाद आप सब सेक्शन पढ़ते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे कोई भी कानून हो, हर सेक्शन के बाद आप सब सेक्शन पढ़ते हैं। रीजन क्या है? इसे बनाया है जजेस ने, वो जजेस ने सभी कनेक्टेड चीजें एक साथ जोड़ी होती हैं, तो इसलिए हर सेक्शन के आगे सब सेक्शन जोड़ा जाता है, सब सेक्शन कहा जाता है। मगर डेफिनेशंस का जो सेक्शन होता है, डेफिनेशंस हर टर्म की अलग अलग होती है। अगर 253 मैनेजर की डेफिनेशन बता रहा है तो 254 मैनेजिंग डायरेक्टर बता रहा है, और 268 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता रहा है। तो हर चीज की डेफिनेशन अलग अलग है। क्योंकि हर चीज की डेफिनेशन अलग अलग है तो यानी कि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि कनेक्शन हो क्योंकि ये डेफिनेशन है। तो इसका मतलब डेफिनेशन के अंदर कभी कनेक्शन नहीं होता, इसलिए डेफिनेशन के सेक्शन को हमेशा क्लॉज के रूप में पढ़ा जाता है। किस रूप में पढ़ा जाता है? क्लॉज के रूप में। तो यानी कि सेक्शन टू, सब सेक्शन बीच में से नहीं पुकारेंगे अब, सीधा क्लॉज, सेक्शन टू क्लॉज, सेक्शन टू क्लॉज 53, टू क्लॉज 54, टू क्लॉज 68, ठीक है? तो यानी कि डेफिनेशन को सेक्शन को छोड़कर बाकी जितने कानून आप पढ़ेंगे सबके अंदर सब सेक्शन ही पढ़ा जाएगा, केवल डेफिनेशन को छोड़कर, केवल डेफिनेशन को छोड़कर, क्योंकि डेफिनेशन को क्लॉज के रूप में पढ़ा जाता है। यहां तक मुझे डन का मैसेज दे दीजिएगा। ठीक हो गई इतनी बात? ऐसे ही इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, सब जगह आप क्लॉजेस पढ़ेंगे, डेफिनेशन को क्लॉज के नाम से पुकारा जाएगा। इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट में तो एक सेक्शन आएगा सेक्शन 10, सेक्शन 10 में भी जो है कोई कनेक्शन नहीं है, वो बात करेगा एग्जम्पशंस की, इनकम टैक्स के अंदर आएगा वो। तो जहां पर कनेक्शन नहीं होगा, केवल इनकम टैक्स में डेफिनेशन के अलावा एक सेक्शन देखेंगे सेक्शन 10, जिसे क्लॉज पुकारा जाता है। बाकी पूरे कंपनी लॉ में हर सेक्शन के आगे सब सेक्शन जोड़ता है सिवाय सेक्शन 2 को छोड़कर। यहां तक बताइए जी, कोई भी दिक्कत? भाई कोई भी दिक्कत? बढ़ सकते हैं आगे? अब अगली बात, मान लीजिए किसी सेक्शन को लिखा गया है इस तरीके से, 74(1)(G)(III)। बताइए, अब इसे पुकारिए। सेक्शन 2 ही डेफिनेशन के लिए होता है। हाँ जी, नॉर्मली सेक्शन 2 के अंदर ही डेफिनेशंस दी जाती है। हाँ जी, इस सेक्शन को पुकारना शुरू कीजिए। ये सेक्शन 2 तो है नहीं, तो इसे क्लॉज तो नहीं पढ़ा जाएगा। डेफिनेशन वाले सेक्शन को क्लॉज पढ़ा जाता है, बाकियों को तो सबको सब सेक्शन पढ़ा जाता है। तो अब सब सेक्शन से शुरू करेंगे। सेक्शन 274, सबसेक्शन 1, फिर उसके बाद आता है क्लॉज G, फिर आता है सब क्लॉज 3, फिर आता है पैरा 3। समझ आई बात? तो सर हमें इतनी डीप तक जाके सेक्शन याद करने हैं? ना, बिल्कुल नहीं। आपको तो बस CA इंटर के अंदर ये याद करना है। बहुत रेयर केस होंगे, बहुत ही रेयर केस होगा
जब आपको यहां तक याद करना पड़ेगा इन रेयर केसेस, मतलब मैक्सिमम 4 to 5 जगह पर आपको यहां तक, ये डब्बे तक याद करना पड़ेगा, सबसेक्शन तक बस, उसके अलावा कहीं नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? हटा दूं? भाई हटा दूं? चले, उसके बाद केस लॉ, किसी भी केस लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, किसी भी केस लॉ को कैसे पढ़ा जाता है देखते हैं। मान लीजिए मैं हूं, ये है नोरा, ठीक है। मैंने नोरा से कहा कि हे नोरा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, वो तो पगला गई, बिल्कुल पागल हो गई। अरे पोपली मिल गया भाई रे। उसने कहा मैं भी, मुझे भी तुम स्वीकारो, मुझे भी तुम स्वीकारो। लो भाई, पंडित जी को बुलाया गया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम कुंडली काक्षाय, करने के लिए वो आने वाले थे। नोरा भी तैयार बैठी थी, तैयार तो बैठी थी, परंतु इतने में मेरा कॉल आया। मैंने कहा सॉरी नोरा, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे क्या मैं कह सकता हूं, नोरा के दिल पे चोट पहुंची होगी? क्या नोरा के दिल पे चोट पहुंची होगी? बोलो ना हाँ। अब नोरा क्या करेगी? फिल्मों में तो दिखाते हैं कि हीरोइन जाती है मंदिर के अंदर और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लग जाती। मुझे तो समझ ही नहीं आता, अचानक, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, पता नहीं मंदिर की घंटियां क्यों बजने लग जाती हैं। फिर उसके बाद आसमान में बिजली गिरना शुरू हो जाती है, और यही अगर एकता कपूर का सीरियल हो तो फिर तो पेड़ हिलने लग जाते हैं, वो समुद्र ऊपर उठने लग जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है उन सीरियलों में तो। बट फिलहाल रियल लाइफ में बताइए नोरा क्या करेगी? क्या मैं कह सकता हूं कोर्ट में जाएगी? यस, कोर्ट में जाएगी तो केस करेगी। मतलब केस का नाम क्या बनेगा? नोरा वर्सेस अमित पोपली। तो इसका मतलब है नोरा ने पोपली पे केस किया, ठीक है। जो केस करता है उसका नाम क्या होता है? प्लेंटिफ। क्या नाम दिया जाता है उसे? प्लेंटिफ। अच्छा, जिस पे केस होता है उसे क्या कहते हैं? डिफेंडेंट। लो जी, डिफेंडेंट। इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, रिस्पोंडेंट। यहां तक भी क्लियर? चले, परंतु जब आप अपनी लॉ की स्टडी मटेरियल देखोगे या फिर इनकम टैक्स का स्टडी मटेरियल जो आईसीआई ने दिया है वो देखोगे, तो वहां पे केस को ऐसे नहीं लिखा गया। वहां पे केस को पता कैसे लिखा जाता है? नोरा वर्सेस एपी 118 CLB 17 SC। सॉरी 2024। ये लो जी, ऐसे लिखा जाता है। कहाँ गया SC? कहाँ गया SC? ये लो जी, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो या कंपनी लॉ हो, अगर आप देखेंगे तो आपके स्टडी मटेरियल में इस तरीके से केस को लिखा होगा। ये तो बड़ा अजीब है, ये क्या नंबरिंग है भाई? नंबरिंग का भी लॉजिक है। ओके, कई बार ऐसा होता है 2024 यहां पे भी लिख दिया जाता है, तो मतलब दोनों पॉसिबल है। अब दोनों में पॉसिबिलिटी है। अब सुनना जी,
ये तो वही है प्लेंटिफ, ये भी वही है कौन डिफेंडेंट, ये है ईयर ऑफ जजमेंट, ईयर ऑफ जजमेंट। एससी बोले तो सुप्रीम कोर्ट, फिर आया 118 सीएलबी 17। सीएलबी एक लीगल मैगजीन है जिसके अंदर ये केस छपा होगा पहली बार। टोटल मिला के ऐसे भारत में 6 या 7 मैगजीन्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स को फॉलो करती रहती हैं, और जो भी कोर्ट में जजमेंट होते हैं ये उसमें उस कोर्ट के जजमेंट को छापती रहती हैं। तो इसका मतलब है ये जो जजमेंट है सबसे पहले सीएलबी नाम की मैगजीन में छपा। अच्छा, मैंने ना पहली बार बुक निकाली अपनी 2018 में, फिर 2019, फिर 20, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24। अब ये 24 की बुक, बताइए 24 की बुक को मैं क्या नाम दूंगा? मतलब एक होता है ना कि ये 7 नंबर है, वो क्या होता है 7 नंबर, क्या कहते हैं उसे, कि ये पोपली की बुक का 7 नंबर है, मतलब क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, क्या कहते हैं बताओ, पोपली की बुक का 7 एडिशन, 7 इसे एक और भी कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम नंबर 7 है, वॉल्यूम या फिर एडिशन जैसे मर्जी कह दीजिए। तो ये है वॉल्यूम नंबर उस लीगल मैगजीन का, वॉल्यूम नंबर उस लीगल मैगजीन का, और उस वॉल्यूम के लीगल मैगजीन के 118 नंबर वॉल्यूम के 17 नंबर पेज पर ये केस छपा था, 17 नंबर केस पर ये केस छपा था, 17 नंबर पेज पर, ठीक है। और इस पूरे को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं साइटेशन मोड, साइटेशन मोड कहते हैं। आप अपने लॉ की बुक में भी ऐसा ही पाओगे केस लिखे हुए, और आप अपने इनकम टैक्स की बुक में भी और जीएसटी की बुक में भी ऐसे ही पाओगे लिखे हुए। मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पूछो क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए नहीं है घबराने की जरूरत क्योंकि आपको ये सब पेपर में नहीं करना है। आपके सिलेबस में तो बस इतना ही है कि प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट का नाम देना है, आपने ये नंबर्स को याद नहीं करना है। हाँ, नंबर आए तो उनको पहचान पाए, बस मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? क्लियर? चलिए, अब हम फॉर्मली आज अपने सिलेबस में जो आपका सिलेबस है उसकी पहली डेफिनेशन शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि ये डेफिनेशंस ये वो हैं जो कि आपने फाउंडेशन में भी पढ़ी थी और इंटर में दोबारा मैं पढ़ा रहा हूं, बट अब लेवल ऑफ डेप्थनेस में फर्क आ जाएगा। फाउंडेशन में पढ़ा था, ठीक है, आपने अच्छे लेवल पे पढ़ा होगा, ठीक है, मगर आप महसूस करेंगे कि अब इंटर आ रहा है तो इन डेप्थनेस वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चले आइएगा, तो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन आज मैं शुरू करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 1, बेसिक डेफिनेशंस, डेफिनेशंस। लो जी, ठीक है, आज अपने इस बैच को, चलो हम बैच को नाम देंगे 15 अगस्त के बाद, इस बैच को एक नाम देंगे हम कि ये बैच का एक नाम है जिससे आपके टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी बनेंगे उसी नाम से, अभी नाम नहीं देते, 15 अगस्त के बाद देंगे। फिलहाल सबसे पहली डेफिनेशन जो मैं करने जा रहा हूं वो है कंपनी। नाम क्या है? कंपनी। जो फाउंडेशन से आए हैं पक्की बात है फाउंडेशन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, कंपनी। हाँ जी, अब पहली बार अच्छे से मुझे सेक्शन पुकार के बताओ क्या होगा कंपनी की डेफिनेशन का सेक्शन। सेक्शन 2 क्लॉज 20, अभी भी गलत है, ऑफ
पूरा बोलो, कंपनीज एक्ट 2013। अब सही है। कई बार, अब कल मैं एक इंटर की कॉपी चेक कर रहा था, उस इंटर की कॉपी में बच्चे ने लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 53। कौन सा एक्ट है? मैंने कहा जी कौन सा एक्ट है, लिखा ही नहीं, मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। केवल 5% बच्चा ऐसा होगा जो कि सही सेक्शन पेपर में लिख के आता है, 5% बच्चा। आप उस कैटेगरी में आए भी सही, आपने सेक्शन भी सही लिखा, बट उसके आगे कंपनीज एक्ट 2013 ना लिख के आपने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। तो सेक्शन के साथ एक्ट का नाम लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? चले सेक्शन 2 क्लॉज 20। हाँ जी, क्या कहता है? कहता है जी कंपनी मींस अ कंपनी, मेरे साथ प्लीज लिखते रहिएगा, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। लो जी, लिखने के बाद डन का मैसेज दीजिएगा। लिखने के बाद डन का मैसेज दीजिएगा। हाँ जी, तो मैंने कहा जी कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो कंपनी का मतलब है, कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट होगी अंडर दिस एक्ट। जब मैं कहता हूं दिस एक्ट का मतलब क्या है? दिस एक्ट का मतलब क्या है? दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013। फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट मतलब इससे पिछले वाले किसी कंपनीज एक्ट का एग्जाम्पल देंगे आप? इससे पिछला कौन सा कंपनीज एक्ट था? 1956, ठीक है? बट वर्ड यहां पर आया है मींस। मींस का मतलब क्या होता है? अब एक काम कीजिएगा, अपना पेन चेंज कर लीजिएगा और रेड पेन से एक बॉक्स बना दीजिएगा। रेड पेन से ये जो बॉक्स होगा, मैंने आपको कहा था ना 400 में से 150 पेज में लॉ होगा, 250 पेज में एनालिसिस होगा, तो इस बॉक्स का नाम देना है आपने एनालिसिस का बॉक्स। खाली एनालिसिस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम दिए हुए लॉ को समझेंगे और इस लेवल का समझेंगे कि पेपर में कोई भी केस स्टडी आ जाए तो हम उसे सॉल्व कर सके, ठीक है? तो अब देखिएगा, डेफिनेशंस जो है ना वो दो तरीके की होती है। एक वो डेफिनेशंस होती हैं जो शुरुआत होती है जिनकी मींस से, जैसे कि यहां पर, और एक वो डेफिनेशन होती है जिनकी शुरुआत होती है इंक्लूड से। अगर किसी भी डेफिनेशन की शुरुआत मींस से हो रही है तो उस डेफिनेशन को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। क्या नाम देते हैं? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, ओके। परंतु अगर किसी डेफिनेशन की शुरुआत इंक्लूड्स से हो रही है तो उसे अपन लोग नाम देते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है जी। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है, यानी कि मींस अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि भाई जो मैं बता रहा हूं वही है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी कि एग्जॉस्टिव का मतलब है कि जो है बस यही है, इसके अलावा और
और कुछ नहीं है, इसे कहते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। मतलब जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है बस वही है, उसके आगे दिमाग ही नहीं लगाना। क्लियर? फिर एक आती है इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है कि भाई ये तो है ही है, मगर इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो आज हम सोच नहीं पा रहे, या फिर जो कल फ्यूचर में चल के सोचेंगे। तो मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जैसे जैसे सोचते जाएंगे इंक्लूड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है? तो यानी कि इसका मतलब है कि ये तो है, ये तो है, और भी बहुत कुछ है। मतलब ये तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसे कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो डेफिनेशन दो तरीके की हुई, एक हुई एग्जॉस्टिव, एक हुई इंक्लूसिव। फिलहाल कंपनी की डेफिनेशन मींस से शुरू है, तो मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। तो कंपनी का मतलब बस वही है जो यहां लिखा हुआ है, उसके अलावा दिमाग ही ध्यान लगाना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा जी कंपनी का मतलब क्या है, जो कि इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई या इससे पिछले किसी भी कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई, वो कंपनी है। ओके, चलिए देखते हैं, यहां तक लिख लिया। अब आगे बढ़िएगा। अब आपको बताना है कि क्या ये कंपनी है या नहीं है। क्वेश्चन, वही बॉक्स कंटिन्यू हो रहा है, बॉक्स कंटिन्यू प्लीज, एनालिसिस बॉक्स प्लीज कंटिन्यू। डिसाइड इफ द फॉलोइंग आर कंपनी। जी, आपको बताना है कि ये कंपनीज हैं या नहीं हैं जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नेम इनकॉर्पोरेटेड इफ कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। पहला, टाटा मोटर्स, स्थापना हुई कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। दूसरा, रिलायंस जियो, स्थापना हुई कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। थर्ड, गूगल इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। बताओ जी कौन सी कंपनी है, कौन सी नहीं है। दूसरा बॉक्स नहीं, सेम बॉक्स कंटिन्यू हो रहा है। इनमें से कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी नहीं है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या पहली वाली कंपनी है? हमने कहा कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, तो क्या वो कंपनी है? यस, कंपनी है। और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, तो मतलब 1956 वाली भी कंपनी है, यस। दिस एक्ट वाली भी कंपनी है, यस। थर्ड पे आइएगा, क्या थर्ड कंपनी है? क्या थर्ड वाली कंपनी है? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, नहीं। सवाल उठा सर वो गूगल कंपनी नहीं है। भाई गूगल हमारे देश में कंपनी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कंपनी की डेफिनेशन का मतलब है कि जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ हो। तो इसका मतलब क्या फेसबुक भी कंपनी नहीं है? नहीं। गूगल भी कंपनी नहीं है? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट भी कंपनी नहीं है? नहीं। तो ये क्या है?
आगे चल के पढ़ेंगे, इनको नाम दिया जाता है फॉरेन कंपनीज, कंपनी नहीं है, क्योंकि जब खाली वर्ड कंपनी कहोगे तो कंपनी का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, यानी कि इंडिया में इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 तो इंडिया में लगेगा, हम कंपनी एक्ट पाकिस्तान में तो नहीं लगाएंगे अपना, और यूएसए में तो नहीं लगाएंगे, कंपनी एक्ट 2013 मतलब भारत की सीमाओं में लगेगा, क्योंकि भारत की सीमाओं में लगेगा तो इसलिए जो भारत की सीमाओं में कंपनी बनी है तो उसे ही कंपनी कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो गूगल इज नॉट अ कंपनी, नो, गूगल इज नॉट अ कंपनी। क्लियर हो गई इतनी बात भाई? बोलो ना। हाँ चलिए, आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। अब अगली क्लास से मैं शुरुआत कराऊंगा फॉरेन कंपनी क्या, सॉरी प्राइवेट कंपनी क्या होती हैं, पब्लिक कंपनीज क्या होती हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे भी ले जाकर दिखाऊंगा। ध्यान रखना, लॉ को थ्योरेटिकली पढ़ने से कोई फायदा नहीं जब तक आपको वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना आती हो। तो आगे आने वाली चंद क्लासेस के अंदर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाना सीखेंगे, वहां जाकर कैसे रिसर्च की जाती है, कैसे कंपनियों के बारे में पता लगाया जाता है, ये सब सीखेंगे। तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंस में ही लॉ को लेके चलेंगे। तो अब अगली एक दो क्लासेस के अंदर आप देखिएगा हम कैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में किस तरीके से कंपनी के नाम को सर्च करते हैं, ये आप सीखेंगे। तो आज की क्लास इतनी थी। फिलहाल आपका कोई भी डाउट हो इंटर से रिलेटेड तो आप मुझे बोल सकते हैं, यहाँ पर अभी बोल सकते हैं। सर मेरा इंग्लिश वीक है तो कोई टिप? बिल्कुल, पहली बात तो जब आपका दूसरा तीसरा टेस्ट मेरे पास आएगा तो मैं देखूंगा कि किस लेवल की वीक है, बट फिलहाल आपको क्या करना है, पहले तो इंग्लिश पे इम्प्रूवमेंट तो देते रहो, इंग्लिश पे इम्प्रूवमेंट लगातार करते रहो। अगर कोई फ्रेंड सर्कल है तो उस फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा बात इंग्लिश में करो। जितना ज़्यादा बोलोगे ना इंग्लिश, जितना ज़्यादा मुंह से फूटेगी उतना उतना ज़्यादा इंग्लिश आती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब जॉब में गया था पहले, 2004 में सीए बनने के बाद मैं जॉब में गया था, तो मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम से पास आउट था। सीए में रट्टे मार मार के अगर मुझसे कोई पूछ लेना कि काऊ कैसे, तो मैं वो याद करके जाता था चतुर्लिंगम जैसे। तो वहां कहीं काऊ की जगह माई बेस्ट फ्रेंड आ जाए तो मैं माई बेस्ट फ्रेंड की चार टांगे लिख के आऊंगा, एंड वन टेल एंड वन फोर लेग, मतलब ये हाल था मेरा अंग्रेजी का। समझ आई बात? तो फिर हुआ क्या, जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गया, थैंक्स टू द गॉड कि मेरे बॉस का नाम था गिलबर्ट जॉनसन, गिलबर्ट जॉनसन, उनको हिंदी नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी हमारी शाम को डिस्कशन जब होती थी तो ये करते करते डिस्कशन करते करते धीरे, और एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव यार, वेरी सपोर्टिव, बोलते 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 धीरे धीरे इंग्लिश आई। तो इसलिए जिनकी भी इंग्लिश वीक हो, चाहे मेरे बेटे की इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ही इज इन 10th, अब मैं उसे क्या कर रहा हूँ, आसपास कहीं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जो होती हैं, ग्रामर वाली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जो फालतू की करवाते हैं ना, वो नहीं, जहाँ सही में ग्रुप में डिस्कशन करवाई जाती है, मैं वहाँ पर उसे ज्वाइन करवा रहा हूँ, ब्रिटिश काउंसिल दिल्ली में जैसे मैं ज्वाइन करवाने की सोच रहा हूँ, ताकि वो बोलना सीखे। जब बोलना सीखेगा तो सब समझ आ जाएगा। वैसे तो अपनी इंग्लिश पे जोड़ दो, हो सके तो पार्ट टाइम में करते रहा करो, जोड़ देते रहा करो इंग्लिश पे। मीनवेल आपको अगर इंग्लिश वीक है तो आपको जो कॉपीज में लिखवा रहा हूँ उसे याद करना है, ठीक है जी। हमारी क्लासेस का टाइम मंडे टू फ्राइडे रहेगा, मंडे टू फ्राइडे 2 से 4:30 बजे तक हमारी क्लासेस का टाइम रहेगा। और डेमो सेशन भी चलेंगे दीपांशु? यस, अभी 8-10 दिन तक चलते रहेंगे, मगर अगली क्लास लॉ की सुनना, अगली क्लास लॉ की कल नहीं है, अगली क्लास आज क्या है, आज क्या वार क्या है, आज डे कौन सा है, वेडनेसडे। तो नेक्स्ट क्लास इज ऑन फ्राइडे, अगली क्लास फ्राइडे है। फिलहाल हमारा जो ये मेन बैच शुरू होगा ना, जब यूट्यूब पे बंद हो जाएगा और फॉर्मल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, वो लगभग 15-16 अगस्त के आसपास होगा। तब तक हमारी क्लासेस इस तरीके से यूट्यूब पे हल्के हल्के धीरे धीरे चलती रहेंगी, मतलब ऑल दीज क्लासेस आर डेमो क्लासेस टिल देन। तो जब तक रेगुलर बैच शुरू नहीं होता तब तक ये एमडब्ल्यूएफ में चलेंगी। तो अब मैं अगली क्लास के लिए आपको वेडनेसडे को मिलूंगा, सॉरी फ्राइडे को मिलूंगा, आज वेडनेसडे है तो अब मैं फ्राइडे को मिलूंगा। फ्राइडे को हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन सीखेंगे,
कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। या आप चाहो तो हम कल भी क्लास रख सकते हैं, बोलो कल भी रख दें। या फ्राइडे ठीक है? बोलो 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 बोलो। चलो एक क्लास कल भी रख देते हैं, कल भी रख देते हैं, कल भी रख देते हैं। हाँ हाँ कल भी रख देते हैं, कल क्लास रख देते हैं। फिर अगले मंडे से, फिर फ्राइडे को क्लास रख के फिर मंडे से हम हफ्ते में 3 क्लासें कर देंगे जब तक डेमो चल रहे हैं। टाइम यही रहेगा भाई, टाइम यही रहेगा। कल आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन में रिसर्च देखना कितनी होती है। और कोई डाउट जो आप पूछना चाहते हो? अशोक घोष, नो क्लास टुमारो प्लीज। ओहो बच्चे कह रहे हैं करो, तुम आशुतोष अकेले हो जो कह रहे हो नहीं करो। मुझे एक मिनट पता करने, तो शेड्यूल है कल की क्लास किसी और की तो नहीं है? एक मिनट रुकना, बस एक मिनट बताता हूं। हाँ जी, कोई और डाउट? एक ग्रुप, दो ग्रुप, किसी भी और चीज से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का डाउट जो आपके दिमाग में चल रहा हो सीए इंटर से रिलेटेड? मैंने कहा सक्सेस के दो मंत्र है, बस उन मंत्रों पे चलना है, ध्यान रखना। पहला कंसिस्टेंसी और दूसरा दूसरा रेगुलर टेस्ट, टेस्ट देने बस रेगुलर, अपने आप सब कुछ क्लियर होता जाएगा, ध्यान रखना। माधव आप फिर चार ना करके 3 करो, ठीक है माधव? चौथी बाद में कर लेना। करते हैं अब हम फ्राइडे को ही क्लास लेंगे, फ्राइडे को, कल नहीं लेंगे, फ्राइडे को ही लेंगे। फ्राइडे को सेम टाइम मिलेंगे हम 2 बजे, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, खुश रहिए। एंड सबसे पहले अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से जाके भी शुभकामनाएं दे दीजिएगा और उनको कहिएगा कि उनका बेटे ने या बिटिया ने जो इस बार काम किया है फाउंडेशन में, भाई साहब पिछले 15-20 साल से शायद फाउंडेशन का इतना गंदा रिजल्ट नहीं आया होगा जितना इस बार आया, मगर आपने उस रिजल्ट में क्लियर किया है। तो पहली बात, आज का दिन ही कॉलर उठा के घूमना, कल से डाउन करके फिर अपनी मेहनत पे लग जाना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।